तो देखिए फ्रेंड्स, आज इतने सरल तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ, सीधा डायरेक्ट आपको गैस के ऊपर कढ़ाई में आपको केक बनाना। तो ये बहुत ही आसान तरीका है और जिसको नहीं आता बनाना वो भी आप बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले देखिए, मैंने एक कप सूजी ली, कोई भी आप जो भी सूजी है घर में वो सूजी ले लीजिए। और सूजी को मैंने डाल दिया मिक्सी के जार के अंदर। टोटल मैंने 2 कप सूजी डाली थी, 2 कप सूजी डाल के और थोड़ा सा इसको मिक्सी को चला लिया है, थोड़ी सी महीन इसको कर लेना आपको सूजी को। तो जिस कप से मैंने सूजी ली उसी कप से मैं 1 कप डाल देती हूँ दही। तो दही देखिए नॉर्मल दही लेना आपको, ज़्यादा ये भी नहीं है, जैसे फ्रिज से डायरेक्ट निकाला और वो दही इसके अंदर रख दिया, ठंडा दही नहीं लेना है बिल्कुल भी, जैसे नॉर्मल बाहर है वो दही आपको ले लेना है। तो 1 कप डाल दिया दही, 1 कप डाल दिया इसके अंदर चीनी पाउडर। जैसे जिस कप से मैंने सूजी ली 2 कप, उस कप से मैंने 1 कप चीनी पाउडर डाल दिया और 1/4 कप ये देखिए इस कप से मैंने 1 कप डाल दिया तेल। तो रिफाइंड ऑयल कोई भी आप जो भी घर में आप यूज में लेते हो वो आप डाल सकते हैं, ऐसा नहीं डालना है कोई भी, जैसे कोई अलग भी स्मेल वाला ऑयल आपको नहीं डालना है, तो नॉर्मल तेल आप ले सकते हैं। तो अब देखिए मैंने 2 कप सूजी को पीस के रखा था मिक्सी के जार के अंदर, वो सूजी मैं थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर डाल देती हूँ। पहले आपको जैसे चीनी दही और तेल ऑयल लेके अच्छे से आपको फेंट लेना है, 2 मिनट अच्छे से फेंट की और फिर आपको सूजी को डालना है। सूजी देखिए एक साथ नहीं डाली मैंने, थोड़े थोड़े करके सूजी डाली। अब इसके अंदर देखिए चुटकी से, देखिए हल्की चुटकी भर के 2 चुटकी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक। तो नमक आप सोचोगे कि मीठे के अंदर नमक, नमक देखिए एकदम बैलेंस करता है, जैसे मीठे को बैलेंस करता है, तो इसमें नमक का टेस्ट एक ही अच्छा आता है। अब देखिए मैंने थोड़ा सा दूध लिया है 1 कटोरी के अंदर, तो थोड़ा थोड़ा करके दूध डालती हूँ, एक साथ दूध नहीं डालना है। तो ये देखिए ऐसा बैटर बना के तैयारी किया है। अब चलिए बैटर को रख देते 10 मिनट साइड में रेस्ट करने के लिए और तैयारी कर लेते हैं जिस कढ़ाई में केक बनाने जा रहे हैं वो कढ़ाई तैयारी कर लेते हैं। तो कोई भी आप कढ़ाई या पैन में आप बना रहे हो वो आप एक तो इसका ध्यान रखिए कि बाहरी पैंदे का होना चाहिए, मेरे पास बाहरी पैंदे का नहीं है फिर भी मैं आपको डायरेक्ट गैस के ऊपर बना के दिखा रही हूँ, ज़्यादा भारी नहीं है नॉर्मल है। और भारी पैंदे का होएगा तो उसमें और भी अच्छा बनेगा और एक नीचे से जलने का भी बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि नीचे से जल जाएगा। अच्छे से तेल लगा लिया है कढ़ाई के अंदर, अब इसके अंदर डाल देती हूँ 1 बटर पेपर लगा देती हूँ। तो आपके पास देखिए बटर पेपर नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ा सा आप 1 चम्मच लीजिए मैदा और मैदे को डस्ट कर दीजिए नीचे मैदा डाल के और कढ़ाई को चारों ओर घुमा दीजिए, जैसे तेल लगा के फिर ऊपर 1 चम्मच मैदा लगा देना है डस्ट करना, जिस जगह बटर पेपर लगाए उस जगह मैदा लगा देना है। तो ये देखिए बटर पेपर के ऊपर फिर से मैंने तेल लगा दिया। अब मेरे पास ये है देखिए टूटी फ्रूटी, तो कोई भी आप देखिए टूटी फ्रूटी तो आप घर पे भी आप आराम से बना सकते हैं, मैंने टूटी फ्रूटी घर पे ही बनाई, उसकी भी आप बनाना है घर पे तो मैं लिंक डाल देती हूँ, बहुत ही अच्छी टूटी फ्रूटी बनती है। अब इसके अंदर 1/2 चम्मच मैंने डाला मैदा, मैदा डाल के अच्छे से टूटी फ्रूटी को मिक्स कर लिया है और चलिए बैटर को चेक कर लेते हैं। 10-15 मिनट हो गई है तो हल्का ये क्या कि सूजी एब्जॉर्ब करती है पानी को दही को, तो सूजी गाढ़ी हो गई है थोड़ा बैटर, तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए बाउल थोड़ा छोटा है तो ध्यान से कीजिए, तो ये देखिए तो एक रिबन की जैसे आप ऊपर से थोड़ा सा इसको डालोगे तो एक रिबन की जो नीचे ये गिरेगा तो बैटर एकदम परफेक्ट है बनकी। अब इसके अंदर डाल दिया मैं 1 छोटी चम्मच वनीला एसेंस, तो वनीला एसेंस नहीं है तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं या कोई और भी फ्लेवर डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून डाला इसके अंदर बेकिंग सोडा और 1 छोटी चम्मच डाला मैंने बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाल के इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देती हूँ दूध, 1 चम्मच दूध डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाल फेंटना है इसको, जैसे बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा जो भी अपन डालते हैं उसके बाद में ज़्यादा नहीं फेंटना है, केवल इसको मिक्स करना है। और बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इसके जगह इनो भी डाल सकते हैं।
तो अब देखिए मैंने टूटी फ्रूटी इसके अंदर डाल दी है, थोड़ी सी मैंने बचा के रख लिया ऊपर से डालने के लिए, और अच्छे से इसको मिक्स कर देती है। तो चलिए बैटर बन की तैयारी हो गए, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ और बहुत ही अच्छा बनेगा, एकदम फ्लफी और फूला फूला केक बन की तैयारी होएगा। और बैटर को डाल देते हैं, जिस कढ़ाई को तैयार करके रखा उस कढ़ाई के अंदर बैटर को डाल देते हैं। तो एक तो देखिए आप डायरेक्ट रख सकते हैं, या पतले पैदे की कढ़ाई है, थोड़ी पतली है कढ़ाई, तो आप एक कोई भी लोहे का तवा ले लीजिए, और पुराना तवा है आपके पास वो तवा, और तवे को अच्छे से पहले 5 मिनट हीट कर लीजिए, गर्म कर लीजिए, और फिर तवे के ऊपर आप एक कढ़ाई रख दीजिए ढक के। ऐसा ढक होना चाहिए कि इसकी बिल्कुल भी जैसे भाप वगैरह बाहर नहीं निकलनी चाहिए, भाप बनेगी वो। अब देखिए मैंने ऊपर से इसके टूटी फ्रूटी और डाल दी है, और इसकी जगह टूटी फ्रूटी नहीं है तो आप कोई भी ड्राई मान लो डाल सकते हैं, जैसे बादाम काजू जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स अच्छा लगता है वो आप डाल सकते हैं। तो गैस के फ्लेम को देखिए मैंने ऑन कर दिया है, गैस के फ्लेम को एकदम सिम रखना है, जितना आपका गैस के फ्लेम छोटा है उस हिसाब से आप रखिए, जितने छोटे पे रखिए, क्योंकि जितना सिम होएगा तो नीचे से जलने का बिल्कुल भी एक टेंशन नहीं रहेगा। और ऊपर से देखिए प्लेट लगा के इसको बंद कर देते हैं, बिल्कुल भी जैसे अंदर हवा बन रही है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और अब इसको बाद में देखते हैं, इसको देखते लिए 30-35 मिनट इसको पकने दीजिए, और 30-35 मिनट बाद में 30 मिनट बाद में एक बार बीच में चेक कर लीजिए, 30 मिनट बाद अपन को लगे कि कच्चा है तो और पका लीजिए। और मैंने देखिए 35 मिनट इसको पका लिया है, और बहुत ही अच्छे से पक गया, साइड से देखिए इसका कलर चेंज हो गया, कलर दिख रहा है आपको। तो चलिए गैस के फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, और मैं दिखाती हूँ इसको आपको निकाल के। तो ये देखिए 10-15 मिनट इसको ठंडा कर लिया मैंने, ठंडा होने के बाद में चलिए मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छा केक बना है, बहुत ही प्यारा कलर आया है, इसमें कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो बहुत ही अच्छा केक बन की तैयारी हुआ। तो चलिए केक बना लेती हूँ, और केक किस खुशी में बनाया वो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि मेरे यूट्यूब की तरफ से पहली सैलरी आ गई है, और कितनी आई है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो बहुत ही देखे, बहुत ही लंबे समय से आई है, बहुत ही लंबी मेहनत की है मैंने, 2 साल के बाद में मेरे यूट्यूब की तरफ से पहली सैलरी आई है। तो चलिए पहली सैलरी की तरफ से केक खा लीजिए, केक बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही प्यारा बना है। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये तरीका कैसा लगा, और आप भी बनाइए और मुझे फिर कमेंट करके बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।